एजुकेशनल गुरु कुल सो वीला मैं जरा सा लाइव सेशन खोल लेता हूँ एंड इन दिस लेक्चर सीरीज हम लोग बीबीए के बारे में बात कर रहे हैं बीबीए के बारे में बात कर रहे हैं डिफरेंट कॉलेज एंड किस तरह के जॉब्स बीबीए में एक मिलते हैं दैट इज वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट

सो दैट वी हैव अ ग्राउंड इंफॉर्मेशन की वहां पे कल्चर क्या है सेकेंडली वी टॉक टू द टीचर्स एंड वी लुक एट दिलेबस की कौन सा कॉलेज कैसाबस पढ़ा रहा है रिक्शन गिव एंड ऑन दिस बेसिसम चूज अच इज अलाइंस की वो कितना फीस देना चाह रहे हैं एंड व्हाट टाइप ऑफ सैलरी दे आर लुकिंग फॉर एंड सेम गोज विद द कोर्स कि कौन सा कोर्स आजकल चल रहा है कहां पे मार्केट में सेचुरेशन बहुत ज्यादा आ गया है एंड अब ये कोर्स करने से आने वाले पांच से दस साल में प्रॉब्लम हो जाएगी तो अल्टरनेटिव कोर्सेस क्या हो सकते हैं ऑल्टरनेटिव तरीके क्या हो सकते हैं एक एग्जाम्पल इसका हम लोग ले सकते हैं कि जैसे गवर्नमेंट के तैयारी करने में बहुत से स्टूडेंट्स लगे रहते हैं एंड समटाइम्स वो लोग ऑनलाइन डिग्रीज नहीं करते एंड बाय द टाइम फिनिश देयर तैयारी और वो कभी अट्ठाईस के हो गए उनतीस के हो गए तीस के हो गए तब उनको एक इशू आता है कि वो सेट नहीं होते अपने करियर में कि कहाँ जाना है सेम गोज विथ पीपल जो अगर एम एस या एमएमी करने बाहर जाते हैं एंड आफ्टर अ वर्क एक्सपीरियंस ऑफ वन और टू ईयर्स वो लोग बाहर से वापस आते हैं दे डू नॉट गेट दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्री में जो की एक्सपेक्टेड थी तो उस तरह के ट्रांजेक्शन में भी हम हेल्प करते हैं कि हम पहले से आपका एक करियर चार्ट आपको दें सो दैट यू अंडरस्टैंड कि आज से पाँच या आज से दस साल बाद क्या क्या होने वाला है सो आई एल स्विच ऑफ माई कैमरा नाउ एंड आई एल शेयर माई स्क्रीन एंड वी विल स्टार्ट ऑफ बाई डिस्कसिंग बीबीए इन डी यू डी यू में बीबीए के बारे में बात करेंगे इसके बारे में बात करते हैं तो लेट मी स्टार्ट लेटमी स्टार्टऑफ डिस्क्लेमर कि जो भी हम बात कह रहे हैं जो भी मैं यहां बात कह रहा हूं सारी बातें इंटरनेट ऑफिशियल सोर्सेस से ली गई हैं विच आर अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन बी एड नैक वेबसाइट बी एड यूजीसी वेबसाइट बी एड ए आईसीटी वेबसाइट सारी गवर्नमेंट की वेबसाइट से एंड ऑफिशियल सोर्सेज से ली गई है सेकेंड इन्फॉर्मेशन जो भी मैं शेयर करता हूँ वो कॉलेज विजिट्स जो पेरेंट्स ने करा या एक स्टूडेंट्स ने वहां जो पढ़ते थे वो लोग जो शेयर करते हैं और मैं क्योंकि एम में पर्सनालिटी ट्रेनिंग के थ्रू गया हूं तो मैं उनको इंटरप्रेट करता हूं और उस हिसाब से मैं एक फीडबैक देता हूं कि जो भी क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है मैं उस हिसाब से एक फीडबैक देता हूं और तीसरा कनेक्शन मेरे पर्सनल कनेक्शंस अपनी वेरियस फैकल्टीज facult से हैं यानी टीचर्स से हैं और इन तीनों चीजों को मिला के एक रियलिटी कंस्ट्रक्ट की जाती है जिसको मैं आपके साथ शेयर करता हूं इनको तीनों चीजों को मिला के एक रियलिटी कंस्ट्रक्ट की जाती है उस कॉलेज के बारे में और वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एंड दिस एडवाइज इज बेस्ड ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट जब भी कोई लाइव सेशन में स्टूडेंट पूछता है तो वो स्टूडेंट जो क्वेश्चन जिस तरह से पुट अप कर रहा है उस हिसाब से मैं अंदाजा लगाता हूं कि वो किस तरह की पर्सनैलिटी में है और उस तरह की पर्सनैलिटी को किस तरह का जवाब देना है सो so, जितना हम कोशिश कर रहे हैं आपको एक गाइड करने का हम ये भी चाहते हैं कि आप भी थोड़ा चौकन्ने रहें अपनी तरफ से एंड यूज योर वाइज आर एडवाइज वाइजली एंड डू नो कि हमने वो चार्ट अपने आप भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड जॉब किया है प्लस पांच साल से हमारा भी एक्सपीरियंस है इस हिसाब से हम कॉशियस होके ही बता रहे हैं आज हम लोग बात कर रहे हैं टॉप बीबीए कॉलेजेस की पहले हम बात कर लें बीबीए की सो बीबीए में लगभग सालाना कितने स्टूडेंट्स जा रहे हैं लगभग दो लाख स्टूडेंट्स जा रहे हैं और वैसे ही बीटेक सीएस में भी तकरीबन 2 लाख स्टूडेंट्स जाते हैं कम जाते हैं थोड़े से एंड ओवरऑल सारे बीटेक ब्रांचेस की अगर मैं बात करूं तो सारे बीटेक ब्रांचेस में तकरीबन एट लाख स्टूडेंट्स जाते हैं तो टॉप बीबीए स्टूडेंट्स टॉप बीबीए कॉलेजेस डीयू में बात करेंगे ये सबसे ऊपर आ जाता है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अपने फायदे हैं वो हम लोग आगे देखते हैं तो कंटेंट हमारा रहेगा ब्रांचेस ऑफर्ड प्लेसमेंट फीस इंटर्नशिप बीबीए जर्नी कैसी होती है स्टडीज अब्रॉड पेरेंट्स एंड स्टूडेंट डाउट्स जो कॉलेज की लिस्ट हम लोग कवर करेंगे ये सारे डीयू के कॉलेजेस हैं डीयू के कॉलेजेस हैं तो इनके एडमिशन के बारे में डेफिनेटली जो एडमिशन डिफरेंट टाइप के बोर्ड डिफरेंट मार्क्स देते थे तो देर वॉज uh, मतलब ऊपर नीचे रहता था फॉर एग्जाम्पल यूपी बोर्ड में हो सकता है टॉपर के नाइनटी आयो और सीबीएसई में हो सकता है एक स्टूडेंट है जो जिसकी क्लास में रैंक टेंथ आई है

तो सारी फिफ्टी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपका जो एग्जाम अब कंडक्ट होगा वो सीयूईटी के थ्रू ही होगा ये बात थोड़ा ध्यान देने की रहेगी ये सारे कॉलेजेस जो हैं ये डीयू के कॉलेजेस हैं एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी आप ये मान लीजिए कि एक तरह से आईआईटी है इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कोर्सेज अदर देन बीटेक तो डी को हम आर्ट्स के लिए आई डेफिनेटली मान सकते हैं सेम uh, लेवल के रेपुटेशन उसको दिया जाएगा इन ऑफ कि वहां से सैलरी बच्चों की कितनी लग रही है क्या लग रही है बट उसको सेम रेपुटेशन पे रखा जाएगा आर्यभट्टा कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज दीनदयाल उपाध्याय केशव महाविद्यालय रामलाल आनंद शहीद राजगुरु शहीद सुखदेव और श्री गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स इस पे हम लोग बात करना शुरू करते हैं पहले हम आते हैं यहां पे जो डेहली यूनिवर्सिटी में कोर्स का नाम होगा यानी डिग्री जो आपको मिलेगी Uh, उसमें हम लोग बीएमएस कहेंगे प्लस टी में अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको एक लैंग्वेज लेनी पड़ेगी लिस्ट ए से प्लस आपको मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स का देना पड़ेगा प्लस आपको एक सेक्शन थ्री जो होता है जनरल टेस्ट का ये देना पड़ेगा तो आपको जब आप सीयूटी का फॉर्म भरेंगे देन यू हैव टू सेलेक्ट थ्री थिंग्स यू हैव टू सेलेक्ट वन इज द लैंग्वेज एक लैंग्वेज लेनी पड़ेगी उसकी लिस्ट होती है सेकेंड आपको मैथ्स देना पड़ेगा मैथ्स आपकी कंपलसरी होगी एंड कहीं कहीं ये भी दिया गया रहता है कि आप वही वही सब्जेक्ट सी में चूज कर सकते हैं जो ट्वेल्थ में हो ऐसा श्योर sure नहीं है लेकिन ऐसी चीज कहीं कहीं ब्रोशर में लिखी गई है दूसरी चीज थर्ड में आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा जनरल टेस्ट एप्टीट्यूड के ऊपर होता है सो so, ये सारे कॉलेजेस हैं ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ये ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए ये एस कैटेगरी के लिए एस कैटेगरी के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए एंड कहीं कहीं सिख माइनॉरिटी क्रिश्चियन माइनॉरिटी एंड अलग अलग कश्मीरी माइग्रेंट्स के भी यहाँ पर अलग अलग सीट्स हैं तो हम मोटा मोटा एक मिक्स बात कर रहे हैं और टोटल सीट्स अगर आप देखोगे तो रफली नौ कॉलेजेस हैं नौ कॉलेजेस हैं और अगर हम पचास सीट ले लें पचास सीट ले लें तो तकरीबन फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड सीट्स तकरीबन आपको बीबीए की यहां पे मिल जाएंगी इसके साथ कई स्टूडेंट्स देते हैं आई मैट दैट इज द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर बीबीए प्लस एमबीए और वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आई में मोस्टली होता है जो इंदौर से शुरू हुआ है और यहां पे भी रफली सिक्स हंड्रेड सीट्स होती हैं सो यू आर फाइटिंग फॉर अगर आप टॉप बीबीए की बात करेंगे दीज आर दॉप सीट्स तो क्योंकि यहाँ पे मैंने जो गिना जैसे तकरीबन मैं फिफ्टी ले ले रहा हूं तो फिफ्टी इन टू टेन लेके फाइव हंड्रेड सीट्स और यहाँ पे सिक्स हंड्रेड सीट्स तो तकरीबन हजार सीट ये हो गई ये टॉप की सीट है जिनके लिए आपको फाइट करना है यहाँ पे दो ब्रांचेस ऑफर्ड हो गई एक बी एम एस हो गई बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज विच इज इक्वेलन टू बीबीए विच इज इक्वेलन टू बीबीए सेकेंड बहुत ही इंटरेस्टिंग डिग्री है दैट इज रिलेटेड एंड बहुत ही अच्छी डिग्री है. Uh, है बहुत ही अच्छी डिग्री है और इसका प्लेसमेंट भी बहुत हाई है डी यू के बेनिफिट क्या है नंबर वन रेपेशन यू कैन नॉट आर्ग्यू विद की हम लोग अगर देखेंगे आपका सीवी तो जब आप सीवी बनाते हो यहाँ पे आपका नेम होगा सब होगा एंड आपके अगर दस साल का अगर एक्सपीरियंस हो चुका है एंड आप एक आप अगर मे बी आप फिफ्टीन टू ट्वेंटी लैक्स की सैलरी पे हो और आप अपना सीवी बनाते हो और उसमें डी यू लिखा होगा तो देर इज चांस कि आपको एक तो इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा दूसरा यू कैन नेगोशिएट ऑन दिस सैलरी वहीं अगर डी यू से कम कॉलेजेस होंगे इट विल बी डिफिकल्ट टू नेगोशिएट तो हमको डिग्री भी देखनी है कि डिग्री अच्छी हो और हम ये चाहते हैं कि या तो यूजी या पीजी में एक आपका इंडिकेटर अच्छा हो जाए एक कॉलेज ऐसा आ जाए जो आपको एक इंटरव्यू क्लियर करवा दे और थर्ड जो है स्किल्स तो होनी ही चाहिए तो रेपुटेशन बहुत अच्छा है डी का हमेशा आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट होने के चांस होंगे फैकल्टी क्वालिटी बहुत हाई है तो आप जो पढ़ोगे उससे आप जो नॉलेज गेन करोगे लोग डायरेक्टली पता नहीं कर पाते कि जो हमें नॉलेज है उससे हमें फायदा हुआ कि नहीं हुआ क्योंकि वो एनालिसिस वैसी नहीं करते हैं बट यकीन मानिए अगर आपको नॉलेज अच्छी होगी तो आपको फर्क पड़ेगा तो लॉन्ग टर्म करियर गेंस ये हो गए एल्युमनाई भी इनके अच्छे हैं प्लस क्योंकि डेली में आप हो तो आपको एम कोचिंग एनवायरमेंट फॉर कॉम्पिटेटिव स्टडीज मिल जाएगा लेट लेटस्ट स्टार्ट विद आर्यभट्टा कॉलेज आर्यभट्टा कॉलेज में बीबीए के प्लेसमेंट रफली ट्वेंटी परसेंट है कहीं पे भी बीबीए के प्लेसमेंट अगर आप देते हो ट्वेंटी परसेंट टू थर्टी परसेंट तो वो अच्छा कॉलेज माना जाएगा क्योंकि देर आर सम स्टूडेंट्स जो बीबीए में जाके पढ़ते ही नहीं है पहले टाइप का है कि जो बीबीए लेते हैं क्योंकि उन्हें तैयारी करनी होती है दे आर जस्ट गोइंग फॉर एग्जाम्स केवल एग्जाम्स गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए वो लोग तैयार करते हैं सेकंड बीबीए कुछ ऐसे स्टूडेंट्स करते हैं जिनके घर में ऑलरेडी बिजनेस है ऑलरेडी बिजनेस है तो वो लोग बस बीबीए करते हैं कि डिग्री मिल जाए और कुछ ही स्टूडेंट्स होते हैं जो लोग सीरियसली बीबीए करते हैं एंड विच इज रफली आप ये मान लीजिए फिफ्टी सिक्सटी परसेंट लोग सीरियसली करते हैं क्योंकि एक थर्ड ग्रुप ये भी है जो सीधे एम के लिए चला जाता है तो फिफ्टी सिक्सेंट सीरियस कैंडिडेट हैं उन 50 -60 में से टू का प्लेसमेंट हो जाता है एंड बीबीए का प्लेसमेंट यहां पे ट्वेंटी परसेंट है एंड विच इज सेंट्रलाइज सेंट्रलाइज प्लेसमेंट है हाइस्ट प्लेसमेंट इज एट पॉइंट फाइव लैक्स विच इज क्वाइट नाइस तीन साल की डिग्री के बाद मीडियम सैलरी इज कई कॉलेजेस में कई कॉलेजेस में फॉर सोशली अप्रूव डिग्रीज लाइक बीटेक भी आपको फोर फोर पॉइंट फाइव की ही मीडियम सैलरी मिलेगी तो सिक्स फोर्टी नाइन स्टूडेंट्स हैं वन वन थ्री का तो प्लेसमेंट ही हो गया है टू एट्टी सिक्स हायर स्टडीज के लिए चले गए हैं विच इज क्वाइट अच्छा अच्छा नंबर है एंड अगर ये हायर स्टडीज के लिए देखें तो ये डेली यूनिवर्सिटी से कहाँ जा रहे हैं इससे हम ये अंदाजा लगा रहा हूँ मैं कि दीज आर वेरी हाई क्वालिटी स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ क्या कैसे मैं जज कर रहा हूं पहला लॉजिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस लॉजिकल इंटेलिजेंस जिसको मैं कहूंगा आई क्यू दूसरा हायर मैं इनको बोल रहा हूं ई क्यू इनमें इमोशनल क्वेश्चन भी अच्छा है नहीं तो बीबीए की जॉब विदाउट इमोशनल क्वेश्चन नहीं की जा सकती है ठीक है तो ये दो चीजें तो इनमें हायर हो गया है अच्छा आया है तीसरा इन्होंने फिर से अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाके एम बी ए किया है जैसे आई आई एफ टी तो आई आई एफ टी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरन ट्रेड ये बहुत अच्छा कॉलेज है एम बी ए के लिए तो डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स यानी आई क्यू एंड हाई ई क्यू वाले बच्चे यहाँ आ रहे हैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इन्होंने पीजी डिप्लोमा किया है जो उसका एम बी ए का कोर्स का नाम है पी जी डिप्लोमा इन ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन फिर आई एम आई से किया है अगेन ये भी एट्टी फाइव परसेंट प्लस वाले स्टूडेंट्स को मिलता है आई आई एम रोहतक में भी गए हैं स्टूडेंट फैकल्टी ऑफ लॉ से एल करने गए हैं तो ये एक ट्रेंड बता रहा है कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं डी में तो अच्छे ही जाएंगे तो अच्छे स्टूडेंट जो हैं वो लोग फिर अच्छी जगहों से या तो एम कर रहे हैं कुछ लोग बीबीए भी एल भी कर रहे हैं एंड देन देर आर सम स्टूडेंट्स हु इन टू सम अर्बन मैनेजमेंट ठीक है पोर मैनेजमेंट स्कूल से एम किया है न, नारसी मुंजी से एम किया है एक्स आई एम ई बैंगलोर से एम किया है आई एम रोहतक से एम किया है इंडियन स्टूडेंट अगेन ट्रेड वन क्लियर किया है very, very और कई स्टूडेंटली की तैयारी के लिए जा रहे होंगे बी ए करते हैं वैसे बीबीए वाले भी जाते होंगे तो एक ट्रेंड बता रहा है, एक बता रहा है आपको डेहली यूनिवर्सिटी में जाने से आपको क्या फायदा है कि आपको एक अच्छे स्टूडेंट मिल रहे हैं सेकेंड हम लोग बात कर रहे हैं कि इसकी फीस क्या लगती है केवल नियरली टू लैक्स तो कोई भी खर्चा नहीं हुआ यहां पे हम पेरेंट्स की बात करूंगा मैं तो पेरेंट्स को ये क्या हुआ कि आपको एक एक्सप्लोर करने के लिए भी टाइम मिल गया कि एकदम से आपने बना बनाया बीटेक में आप जंप नहीं करें क्योंकि उसमें अपनी एक प्रॉब्लम्स थोड़ी थोड़ी क्रैक्स दिखाई देने लग गए हैं तो आपको एक टाइम मिल गया कि तीन साल ले लेते हैं तीन साल में, में मेरा खर्चा भी नहीं हुआ है एंड आई कैन एक्सप्लोर अ बिट मोर कि मेरे बेटे या बेटी के बाद और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं कि मैं तीन साल की डिग्री कर लूं खर्चा भी बहुत नहीं होगा उसके बाद चाहे यूपीएससी की ये तीन साल तैयारी हो चाहे एम की हो चाहे एल की हो क्योंकि पर्सनालिटी बहुत खुली नहीं होती है दबी दबी पर्सनालिटी होती नहीं पता चल पाता तो हो सकता है लॉयर बहुत अच्छा बन जाए वो बच्चा या फिर एम कर ले या फिर हो सकता है वो यूपीएससी क्रैक कर ले तो एक टाइम मिल जाता है कई काफी सस्ते उसमें कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज भी डी के अंदर आता है तो इसमें जो है इनकी सैलरीज नहीं है मैंशन बट फोर लैक्स इनकी अप्रोक्स सैलरी है विच इज गुड इनफ हायर स्टडीज से अगर हम बात करें वोकेशनल स्टडीज में कौन जा रहा है तो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पीजी डिप्लोमा करने गए हैं स्टूडेंट्स दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए हैं एमबीए एचआर करने एमबीए एचआर करने तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तो बहुत अच्छा है एमडीआई गुड़गांव अगेन ये 95 98 परसेंटाइल वाला कॉलेज है तो अगेन हमें पता चलता है कि ये जो बच्चे हैं उनका आई भी हाई है सेकंड इनका ईक्यू भी हाई है नहीं तो ये लोग बीबीए ना लेते और कहीं ना कहीं इनकी सोशल अवेयरनेस यानी सोशल इंटेलिजेंस भी सोशल इंटेलिजेंस भी अच्छी है जबकि सोशल इंटेलिजेंस और ये थोड़ा सा रिलेटेड होती है बट हमें एक आइडिया लग रहा है आई और निफ्ट मुंबई में करने गए हैं मास्टर्स इन फैशन मैनेजमेंट नेक्स्ट हम लोग आते हैं दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर आते हैं एंड दीनदयाल उपाध्याय के कितने लोगों ने प्लेसमेंट के लिए ऑप्ट किया दैट इज ट्वेंटी परसेंट अगैन मैं बोल रहा हूँ कि टेन से थर्टी परसेंट अगर आपको मिल रहा है किसी बीबीए कॉलेज में प्लेसमेंट और आप एक सीरियस कैंडिडेट हो बीबीए के लिए तो आप इसे अच्छा कॉलेज मानिए देन अराउंड ट्वेंटी फाइव परसेंट हायर स्टडीज के लिए चले गए ट्वेंटी फाइव परसेंट तो यहां पे हमको ये फोर्टी फोर्टी फाइव परसेंट स्टूडेंट का डेटा मिल गया और फिफ्टी परसेंट स्टूडेंट जो हैं वो फिर जाते हैं या तो सेल्फ बिजनेस में या तो सेल्फ के बिजनेस में या फिर वो जाते हैं यूपीएससी की तैयारी या फिर एसएससी की तैयारी या फिर बैंकिंग की तैयारी में जाते हैं इधर से दीज आर द चाहे वो बाद में एमबीए की तरफ आए केशव महाविद्यालय में आते हैं केशव महाविद्यालय में इनके जो हाइएस्ट प्लेसमेंट लगभग गया है दैट इज सिक्स पॉइंट फाइव एंड इनका मीडियम सैलरी फोर लैक्स के आसपास रहता है ऑल दिस डेटा इज अवेलेबल विद यूजीसी और अवेलेबल विद नैक विच इज ओपनली स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए कहा गए so, मतलब जा रहे हैं काफी अच्छे स्टूडेंट जा रहे हैं सेकेंड गए माइका में मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड एडवर्टीजमेंट अगेन ये बहुत अच्छा कॉलेज है फिर गएस में आई आई एम नागपुर में आई एम टी आई आई एम एम डी आई आई एस बी मतलब सारे एम बी ए टॉप के कॉलेज हैं तो ये डाउट बिल्कुल पक्की हो जा खत्म हो जाती है कि कोई भी डी में ऐसा स्टूडेंट आ रहा है जिसका आई या ई कम हो क्योंकि इंटरव्यूज के थ्रू ही आप इतने बड़े कॉलेज में जा पाओगे रामलाल आनंद के तरफ चलते हैं इसमें ये अवेलेबल नहीं है बट ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज अवेलेबल है प्लेसमेंट परसेंटेज जो है नाइनटीन ट्वेंटी परसेंट थर्टी सेवन परसेंट इस तरह से फ्लक्चुएट होती है बहुत अच्छी प्लेसमेंट इसे नहीं कहेंगे शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेस की तरफ चलते हैं इसमें हाईएस्ट जो है फिफ्टीन लैक्स की तरफ गया है तो एक जनरलाइज तरीके से नहीं सोचना चाहिए अगर सारे स्टूडेंट्स यही सोच लें कि हम डीयू से जो बीबीए करेंगे कोई प्लेसमेंट लगेगा ही नहीं तो फिर ये ऑपरचुनिटी लूज हो जाएगी एक पंद्रह लाख वाली क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये सोचेंगे अरे हम डीयू छोड़ देते हैं बट आप ये देखिए कि अगर आप वहां पे फर्स्ट आ सकते हैं आप ये हाईएस्ट प्लेसमेंट ले सकते हैं

एंड बी लुक एट दिस की कौन से स्टूडेंट अगर किस तरह के कंपनी में गए हैं, तो ये लुक एट दोस्ट रिसर्च एनालिस्ट तो काफी अच्छी पोस्ट हुई इससे थिंकिंग थिंकिंग वाली पोस्ट हुई कम से कम आप लोग सोचेंगे काम करते हुए तो धीरे से एम बी ए करने में फर्क पड़ेगा तो रिसर्च एसोसिएट रिसर्च एनालिस्ट और ये पोस्ट फाइनेंस में बहुत अच्छी मानी जाएंगी क्योंकि फाइनेंस में विदाउट एनालिसिस कोई भी तरह का डिसीजन मेकिंग अगर कोई करेगा तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है बिजनेस डेवलपमेंट रिसर्च एनालिस्ट फाइनेंस एसोसिएट सेल्स उसके बाद आते हैं शहीद सुखदेव की तरफ शहीद सुखदेव टॉप का कॉलेज है और इसमें जो गया है प्लेसमेंट 18 लैक्स ,00 का गया है प्लेसमेंट एंड 70 टू 80 सेवेंटी प्लेस हो जाते हैं तो दिस इज अ टॉप कॉलेज ये तो टॉप कॉलेज है एंड इसमें मीडियम सैलरी ही सेवन से एट पॉइंट फाइव लैक्स के करीब रहती है ओवर द पास्ट फोर फाइव ईयर सो इफ यू लुक इन टू इट की थ्री एटी नाइन स्टूडेंट्स हैं

दे आर गोइंग इन टू डी शॉ तो बहुत अच्छी चीज है देन जो पंद्रह लाख की सैलरी में कुछ लोग गएंग इन टू डेली फूड कंपनी एंड देन यू हैव बेन कैपिटल नेटवर्क ऑन थर्टीन लैक्स इन बी इन मोबाइल कैन रिसर्च डाबर सो so ये एक तरीका बीबीए एम बी ए करके मार्केट प्लेस या जॉब मार्केट में जाने का दिस इज नॉट अ बैड वे टू डू कई लोग यहाँ से हायर स्टडीज के लिए फिर जाते हैं इंडिया में एमबीए करने जाते हैं यूके में भी जाते हैं और एक सेकेंड डिग्री बहुत फेमस बीबीए के बाद जो है वो एम इकोनॉमिक्स की है कि स्टूडेंट्स बी प्लस एम इकोनॉमिक्स करना पसंद करते हैं एंड देन आफ्टर दैट दे माई टेक सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन ले लेते हैं एंड दे गो इन टू फाइनेंस सेक्टर सेक्टर जॉब की हम जब बात करेंगे तो हम सेक्टर की बात करेंगे जॉब सेक्टर तो जॉब सेक्टर में फाइनेंस में चले जाते हैं या फिर वो एम इकोनॉमिक्स के बाद वो आ, आ, पी करके दे गो इन इंस्टीट्यूट्स लाइक लेट्स से पब्लिक पॉलिसी में या पॉलिटिकल कंसल्टेंसी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी ऐसी कंपनीज को ज्वाइन करते हैं जो ये काम करती हैं कि वो पॉलिटिशियंस को एंड उनकी पॉलिटिशियंस की पार्टीज को हेल्प करती है टू प्लान द इलेक्शन तो कई लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने बी बी ए किया है एम ए किया है या फिर हो सकता है बी ए पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स किया हो और एम ए इकोनॉमिक्स किया हो फिर वो पी एच डी करा ना किया हो लेकिन वो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में जा रहे हैं हैं, जैसे कि मैनेजमेंट कंसल्टेंसी बहुत बड़ी फील्ड है वैसी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी भी एक फील्ड है कई बार पॉलिटिकल कंसल्टेंसी आपको नहीं दिखेगी वो एक एनजीओ की तरह या फाउंडेशन की तरह रन हो रहा होगा बट उनका काम एक्चुअली पॉलिटिकल रिसर्च एंड कंसल्टेंसी का होगा और वो काफी पैसा कमा रहे होंगे और इसमें एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं प्रशांत किशोर का एंड देन वी गो इन टू श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिस इज द लास्ट कॉलेज दैट विल बी टॉकिंग अबाउट टूडे तो इसमें हाइएस्ट नाइन लैक्स का है प्लेस स्टूडेंट फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट है टू थर्टी एट का तो प्लेसमेंट ही हो गया है एंड थ्री थ्री सिक्सटी परसेंट स्टूडेंट रफली सिक्सटी स्टूडेंट जो है दे हैव गॉन फॉर हायर स्टडीज एंड द मीडियम सैलरी इज फाइव टू सिक्स लैक्स सो मीडियम सैलरी फाइव टू सिक्स लैक्स बहुत अच्छी है अगर आपको डी यू मिल रहा है यू शुड ऑलवेज ऑप्ट फॉर इट इफ यू आर नॉट श्योर कि मुझे क्या करना है अगर आप श्योर sure हो कि आपका एक लाइन सेट है कि मेरे को यही करना है तो तो ठीक है कोई भी कंफ्यूजन है और मिल रहा है उस सॉरी श्री गोविंद सिंह से मिल सकती हैं uh, सो से है। so, आपको सेवन लैक्स पे जारोटेक्रेसविस्टा एफ आई एस बेन हिपो इनोवेशन एट जी डी एस बायजूस काफी कंपनीज है जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर वीडियो फॉर वॉट what वी हैड प्लान फॉर टुडे और मैं अपना शेड्यूल uh, आपको दिखा दे रहा हूँ फॉर दिस ईयर क्या हम लोग किस तरह से चलेंगे uh, आपको कोई भी सर्विस लेनी है हमारी services वन hour की हैं थ्री sessions की हैं इली yearly सर्विस yearly भी है प्लस हमारी academic मेंटरशिप है टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड मेक देयर सीवी डू द स्किल अपडेट एंड गेट अ जॉब गेट अ जॉब में हम जॉब नहीं दिलवाते बट वी हेल्प यू आउटी एंड अपू डेट चीजें जॉब तो हमारी करियर कंसल्टेंसी है सो आई जस्ट शो यू हमारा इस बार कैसा शेड्यूल रहने वाला है सो एज ऑफ नाउ वी है बीबीए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी वी हैव कंप्लीटेड माउंट कार्मल एंड क्रिस्तु जयंती वी हैव कम्प्लीटेड टॉप बीबीए कॉलेजेस इन बेंगलोर और आज हमने बी बी थर्टी गलती से आज एक्चुअली एनएसूटी का करना चाहिए था बट हमने आज डी यू डेली यूनिवर्सिटी का कर लिया है तो नेक्स्ट टाइम ऑन थर्टींथ वी विल डू एन एस यू टी एंड डी टी यू इसमें भी बी बी ए होता है प्लस वी विल ऑल्सो टेक आई पी यूनिवर्सिटी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी एंड फिर हम लोग करेंगे टॉप टेन बी बी ए कॉलेजेस इन डेली रीजन ये फिफ्टीन जनवरी तक हम कंप्लीट कर लेंगे देन वी विल बी डूइंग इंटीग्रेटेड एम बी ए ये बहुत अच्छा कोर्स नया आ गया है इवन बिट्स पिलानी ने भी शुरू करा है सो वील डू एम इंटीग्रेटेड बीबीए एम बी बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है आई एम रोहतक बीबीए एल एल बी ये आई एम रोहतक एक स्पेशलाइज कोर्स दे रहा है बीबीए प्लस एल एल बी फिर इंटीग्रेटेड बीबीए एल एल बी बिट्स पिलानी जो नया लेके आए उसकी बात करेंगे फिर एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है एफ डी डी आई फुटवेयर डेवलपमेंट डिजाइन इंस्टीट्यूट ये एक बीबीए का कोर्स दे रहा है इसके बारे में बात करेंगे देन वील बी टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली फॉर स्टेट ऑफ यूपीएम पी राजस्थान उत्तराखंड इनके बीबीए कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे बीबीए करने के कैसे कैसे फायदे हैं अगर आपको एक चांस लेना है कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ तैयारी करना भी चाहता हूं और मैं यहाँ पे ऐसा भी चाहता हूं कि मैं बीबीए में बहुत मेहनत ना करनी पड़े तो यहाँ के कॉलेज में कैसे आप एडजस्ट कर सकते हो देन वील गो टू हैदराबाद एंड पुणे इनके कॉलेजेस में बात करेंगे तो हैदराबाद में क्यों कॉलेज बीबीए करना अच्छा है बट यहाँ पे माइंड या एक प्रोस्पेक्टिव अलग होगा बिकॉज हैदराबाद इज अ बिग सिटी यहां पे इंटर्नशिप्स करने के लिए आपको जाना है या मुंबई एक फाइनेंशियल हब है तो आपको अगर फाइनेंस की फील्ड में करना है तो आप बीबीए वहां से करेंगे या पुणे एक आईटी सिटी है तो अगर आपको डेटा एनालिटिक्स या मार्केटिंग में करना है तो आप पुणे से करेंगे देन वील टच ऑन वेस्ट बंगाल एंड निर्मा यूनिवर्सिटी देन मोस्टली नाइन्थ फेब्री तक ये बीबे कंप्लीट हो गए गो इन टू बायोटेक कॉलेजेस विद जेई मेन्स और विदाउट विद मैथ्स बायोटेक पार्कस एंड गवर्नमेंट जॉब्स इन बायोटेक

बी एस सी फिजिक्स ये बात करेंगे फेरवरी के एकदम एंड में हम लोग बात करेंगे इन फंडामेंटल रिसर्च नाइसर का एग्जाम क्यों देना चाहिए आईसर का एग्जाम दे के कहाँ का क्या होगा आईकर जो एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है किसको देना चाहिए तकरीबन पचास हजार बच्चे हर साल इसमें जा रहे हैं एग्जाम तो ज्यादा देते हैं पचास हजार बच्चे तो जा रहे हैं तो एग्रीकल्चर एक, एक इतना बड़ा सेक्टर है उससे क्या फायदा हो सकता है हमको हम वो एक्सप्लोर करेंगे ये बात होती है कि कभी कभी अवेयरनेस नहीं होती इसलिए स्टूडेंट्स नहीं ऑप्ट करते नहीं तो अगर अवेयरनेस हो तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कई स्टूडेंट्स अपने ऑप्शन चेंज करें तो हम लोग ये बात करेंगे देन विल टॉक अबाउट फिर आपका ट्वेल्थ का एग्जाम ऑलमोस्ट वहां पे कंप्लीट हो रहा होगा देन विल बी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट बीटेक काउंसलिंग शेड्यूल प्राइवेट कॉलेजेस की कैसी रहती है बीटेक काउंसलिंग शेड्यूल जी मेंस का कैसा होता है

to help you in your decision making. So our services are available. Uh, एक घंटे के भी है, तीन sessions की भी है, yearly service भी है, academic mentorship भी है कि आप college में चले जाओ, college की पढ़ाई कैसे करनी है, skill development कैसे करना है, एक final CV कैसा दिखना चाहिए, ये हम लोग कर रहे हैं. So do join our sessions and tell other friends, family, relatives also that you can join in this journey of ours where we are exploring all these. डेटा अवेलेबल ऑन द इंटरनेट एंड ऑन यू जी सी रिपोर्ट ऑन ए आई एस कौन से स्टूडेंट क्या कर रहे हैं और एक इकोनॉमिक देख रहे हैं लेबर मार्केट कैसा है अलग अलग लोग कहा जा रहे हैं एंड लुकिंग एट कि आपको अगर uh, मिल जाए तरीका कि आप किसके लिए बने हो कुछ आपके अंदर अगर क्लिक हो जाए कि यार ये कर लें तो आई विल कंसिडर कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसका कोई फायदा हुआ है सो थैंक यू वेरी मच दिस इज करियर काउंसलर सागर आनंद thank you for watching and we'll meet a day after tomorrow on 13th uh, 13th will be 13th will be saturday so we'll be meeting at 10:30 in the night and we'll be talking about bba